हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो ब्राइटनेस स्लाइडर पे होने वाली है। यहाँ पे जो हमारा ब्राइटनेस स्लाइडर है वो मिसिंग है, तो चलिए इशू को रिजॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सर्च बार में जाना है, सर्च करना है आपने यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड एडसेंस। देख सकते हैं यहाँ पे आपको एडिट योर क्विक एक्शंस दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ब्राइटनेस, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपने इसको डन करना है यहाँ से। इसके बाद आपने एक बार चेक कर लेना है आपका ये ऑप्शन आया है या नहीं आया। देखिए मेरे केस में ये यहाँ पर आ चुका है ब्राइटनेस स्लाइडर। अगर आपका इशू यहाँ से भी सॉल्व नहीं होता है तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने अगेन सर्च बार में जाना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है सेटिंग्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है सिस्टम पे। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ब्राइटनेस। इसके बाद यहाँ से भी आप इस ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एडसेंस भी दिखाई देगा, तो यही मैंने आपको स्टेप ऑलरेडी पहले बता चुका है। इसके बाद भी इशू रिजॉल्व नहीं होता है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अगेन आपने सर्च बार में जाना है, टाइप करना है आपने यहाँ पर डिवाइस मैनेजर। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिस्प्ले, क्लिक करना है आपने यहाँ पे। इसके बाद आपने इस ड्राइवर को अपडेट कर लेना है, क्लिक करना है अपडेट ड्राइवर आपको मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले आपको अपना जो सिस्टम होगा वो वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। इसके बाद आपने इसको क्लिक करना है, लेट मी पिक वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको और भी ड्राइवर्स दिखाई दे सकते हैं, तो आपने यहाँ पे लेटेस्ट ड्राइवर को अपडेट करना होगा। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। इसके बाद जो आपका ड्राइवर होगा वो अपडेट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करना होगा। अपडेट के बाद भी अगर आपका जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है मॉनिटर पर, क्लिक करना है इसको यहाँ पर। इसके बाद आपने इसके जो सर्विस है यहाँ से इसको आपने डिसेबल कर लेना है एक बार, और इसे यहाँ से अगेन आपने इनेबल कर लेना है। इसके बाद भी आपका जो इशू होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। इनकेस यहाँ से आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है लार्ज आइकन अगर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है तो आपने यहाँ से इसको लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा पावर ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद मेरे उसमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके उसमें यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट है बैलेंस्ड वाला, दूसरा है हाई परफॉर्मेंस वाला, तो आपके उसमें अगर हाई परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन आ रहा है तो आपने उसी पे क्लिक करना है। उसके पास में भी ऐसी एक ऑप्शन होगा चेंज प्लान सेटिंग्स, तो आपने वहाँ पर उसको क्लिक करना है। मेरे उसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर रही हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स, क्लिक करना है आपको यहाँ पर। इसके बाद आपने डायरेक्ट नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिस्प्ले, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है एंड यहाँ पे टर्न ऑफ डिस्प्ले आफ्टर पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके उसमें अगर ये ऑफ है सर्विस तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके यहाँ पे नेवर सेलेक्ट हो रखा है तो इसका मतलब आपकी जो सर्विस है वो क्लोज है। मेरे इसमें यहाँ पे 10 सेलेक्ट है, इसका मतलब मेरी जो सर्विस है वो एक्टिव है। अगर आपके इसमें नेवर है तो आप भी यहाँ पे 10-5 कुछ भी लिख के उसको एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद आपने अप्लाई करना है एंड इसको ओके कर लेना है। यहाँ से भी आपकी जो सर्विस होगी वो एक्टिव हो जाएगी, प्रॉब्लम यहीं पे रिजॉल्व हो जाएगी। इनकेस यहाँ से भी आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होती है तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने यहाँ पर टाइप करना है सर्विसेज। यहाँ पे आपने सर्च करना है डिस्प्ले इनहेंसमेंट सर्विस। देख सकते हैं आपके उसमें अगर ये सर्विस यहाँ पे रनिंग नहीं है, आपने यहाँ पे इसको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट ना हो कि मैनुअल है या फिर डिसेबल है आपकी सर्विस, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है ऑटोमेटिक पर।
एंड आपने इसको स्टार्ट करना है यहाँ से, अप्लाई एंड ओके करना है। यहाँ से भी आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपका इशू यहाँ से रिजॉल्व हो गया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।